कस्टमर और टारगेट मार्केट रिसर्च तो हमने सीख ली, और हमने ये भी देख लिया कि जब आपको रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो वो किस नेचर के हो सकते हैं और किस नौयत के हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट कि जिसके थ्रू आप बड़ी पावरफुल किस्म की यूज़र रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल मौजूद है, और इस सेशन के अंदर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा उस सॉफ्टवेयर का। उस सॉफ्टवेयर का नाम है SurveyMonkey.com। SurveyMonkey जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर इन ऑर्डर टू डू मार्केट रिसर्च। आपने भी एज ए फ्रीलांसर जब जॉब्स करनी है मार्केट रिसर्च की ऑनलाइन, या किसी कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट अगर काम करना है टू कलेक्ट डाटा फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो आप भी SurveyMonkey.com को ही यूज़ करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि SurveyMonkey.com के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है, जेनेरिक इंटरफेस क्या है, और एक सर्वे बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर SurveyMonkey.com का वेब एड्रेस लिखेंगे। वेब एड्रेस लिखने के बाद एंटर करेंगे। मेन पेज पे आपको राइट साइड टॉप के ऊपर साइनअप का बटन नज़र आएगा। साइनअप के बटन पे क्लिक करने के बाद अब SurveyMonkey जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा अकाउंट क्रिएट करने की। पहली ऑप्शन ये है कि आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप अपने गूगल ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं SurveyMonkey पे। तो आई विल यूज़ द फेसबुक लॉगिन मेथड, क्योंकि फेसबुक लॉगिन मेथड इज़ वन क्लिक मेथड। अगर आपके अकाउंट पे ऑलरेडी फेसबुक लॉग्ड इन है तो फिर आपको दोबारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मेरे सिस्टम में यह हुआ। तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन फेसबुक वो ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन फेसबुक अकाउंट को यूज़ करेगा और आपको मेन पेज SurveyMonkey पे ले जाएगा। अब SurveyMonkey के मेन पेज पे जब आप पहुंचेंगे तो इस पेज को आपने गौर से एक्सप्लोर करना है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड डैशबोर्ड जिसके अंदर आपके टोटल सर्वेज रिलेटेड डाटा भी आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरा भी चूँकि अकाउंट नया है तो इस वजह से टोटल रिस्पॉन्सेज ज़ीरो आ रहे हैं, कितने सर्वे मेरे ओपन हैं, कितने ड्राफ्ट में हैं, ये तमाम डाटा भी फ़िलहाल ज़ीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप सर्वेज बनाएंगे आपको रिस्पॉन्सेज रिसीव होंगे तो ये डाटा जो है पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज कम्प्लीशन रेट भी है यहाँ कि कितने लोगों ने जो है वो आपके सर्वे को कम्प्लीट किया है और कितना टाइम लगा है आपके सर्वे को कम्प्लीट करने में। इसको अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखें तो आपके प्रोफाइल के बारे में SurveyMonkey इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्विक पोल आपसे फ़िलहाल अभी पूछ रहा है और कुछ सर्वे के टिप्स हैं। क्रिएटिंग ए सर्वे बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट सर्वे बटन इधर फ्रॉम हेयर, या ये टॉप के ऊपर भी एक क्रिएट सर्वे का बटन है। जब आप क्रिएट सर्वे पे क्लिक करेंगे तो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू डिवेलप ए क्वेश्चनेयर, कि जो क्वेश्चनेयर फिर आप सर्कुलेट करेंगे मार्केट में इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं। और जब आपके पास डाटा रिसीव हो जाएगा तो उसके बेस पे फिर आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। पाओ के पास एक ऑप्शन है कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग द सर्वे फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग से, या ये है कि आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग सर्वे पड़ा हुआ है जो आपने पहले बनाया उसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा इनकी जो टेम्पलेट्स वाली फंक्शन है वो ज़्यादा पसंद है SurveyMonkey के अंदर। यहाँ बेतहाशा से टेम्पलेट्स हैं जो SurveyMonkey प्रोवाइड करता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ओन रिसर्च ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे कर रहे हैं जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है कंपनियों में, तो यू कैन यूज़ देयर टेम्पलेट। और जब आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक ओवरऑल ब्रीफ भी देगा कि उसका कितने क्वेश्चंस हैं उसमें, कितनी दफ़ा ये टेम्पलेट यूज़ हुआ है। तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ किया है और उसको टोटल कम्प्लीट करने का टाइम 2 मिनट है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली। क्वेश्चंस अगर हम नज़र डालें तो क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लाइकली इज़ इट दैट यू वुड रेकमेंड दिस कंपनी टू ए फ्रेंड और ए कोलीग, और नीचे दिए हुए आंसर्स में से आप एक आंसर सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस का भी एज ए सैम्पल यहाँ दिया हुआ है। सैम्पल रिजल्ट्स जो हैं इस पर्टिकुलर सर्वे के क्या हैं वो भी आपको एज एन एग्जाम्पल जो है वो SurveyMonkey आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं और व्यू करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मैंने SurveyMonkey के इस टेम्पलेट को यूज़ करना है या नहीं करना। वंस यू आर रेडी कि आप इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो देन यू क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन विच सेज यूज़ दिस टेम्पलेट। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि टेम्पलेट को जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एज इट इज़ इसको यूज़ करना पड़ेगा। आप टेम्पलेट को यूज़ करें और उसके बाद इसको चेंज करें एज़ पर योर ओन रिक्वायरमेंट, विच इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। अभी आपके पास एक सर्वे का टेम्पलेट आ चुका है और इसको आप जैसे चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में है कि हाउ लाइकली इज़ दैट यू वुड रेकमेंड दिस कंपनी। मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कंपनी की जगह के ऊपर उस कंपनी का नाम लिख सकता हूँ जिसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ।
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं किसी कोला कंपनी के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, तो आई विल राइट कोला ओवर हियर एंड देन आई क्लिक ऑन सेव, और सेव पे जब मैं क्लिक करूँगा तो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो आंसर हैं नीचे उसके ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, उसके लॉजिक को भी चेंज कर सकते हैं, और बड़ा ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तमाम क्वेश्चंस को आप इस तरीके से चेंज करने के बाद जब ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा एंड व्हेन यू आर रेडी कि जी अच्छा मैंने सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट करना है और लोगों से डाटा कलेक्ट करवाना है, तो देन यू मूव फॉरवर्ड। यहाँ इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ योर लोगो ऑन योर सर्वे, इट गिव्स ए वेरी क्रेडिबल फील ऑफ अ सर्वे। वैसे क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, अगला जो है वो आपके सर्वे का प्रीव्यू होता है और ओवरऑल जो सर्वे मंकी आपके सर्वे के बारे में स्कोर दे रहा होता है वो भी आपको यहाँ सामने नज़र आएगा। लेट्स सी, अगर आप राइट साइड पे देखें तो सर्वे मंकी की अपनी एक असेसमेंट के मुताबिक दिस इज़ अ परफेक्ट टेम्पलेट, 89% कम्प्लीशन रेट्स का हो सकता है और 2 मिनट्स को कम्प्लीट करने में लगेंगे, तो ओवरऑल आपका सर्वे अच्छा है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फंक्शन ऑफ सर्वे मंकी की, जिसमें आपको वो गाइड कर रहा होता है कि आपका सर्वे अच्छा बनाए या नहीं बना। अगर आपने इसका व्यू को चेंज करना तो यू कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम हेयर, आप अपने मोबाइल व्यू को भी इसको कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेप है। अब यहाँ ये सर्वे मंकी आपसे पूछ रहा है कि आपने इस सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, आपने ईमेल के थ्रू भेजना है, आपने वेब लिंक किसी जगह पर इंटीग्रेट करना है या ईमेल के थ्रू लोगों को वेब लिंक भेजना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, फेसबुक मैसेंजर में पोस्ट करना है, मोबाइल ऐप में करना है, ऐड डाटा मैन्युअली या मैन्युअली भी कर सकते हैं इसमें डाटा कि आप मोबाइल लोगों के पास लेके जाएं और उनके थ्रू डाटा उसके अंदर इंटीग्रेट करवाएं, और आप रिस्पॉन्सेज भी बाय कर सकते हैं यू पे सर्वे मंकी और फिर वो आप लोगों को रिस्पॉन्सेज ढूंढ के देते हैं और पीपल रिस्पॉन्ड ऑन योर सर्वे। वंस यू सेलेक्ट वन ऑफ दिस मेथड आपका सर्वे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जैसे जैसे फिर उसमें रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो ये रिजल्ट का बटन है एंड के अंदर ये शो करना शुरू कर देगा कि आपके ईच क्वेश्चन के ऊपर क्या रिजल्ट्स आए हैं, कितने लोगों ने उस पर किस सिलेक्शन को रिस्पॉन्ड किया है, क्या जेंडर है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस एनालाइज के बटन में लाइव रिसीव हो रही होगी जैसे जैसे आपका सर्वे फिल हो रहा होगा। हमने बड़ा ब्रीफली देखा कि सर्वे मंकी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ आप जहन में रखें, आप ख्वाह पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए मार्केट रिसर्च की जॉब कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, सर्वे मंकी का इस्तेमाल आपको आना भी चाहिए और आप इसको करेंगे भी, तो इसको अपने तौर के ऊपर प्रैक्टिस करें, इसमें देखें कि कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। बेसिक लेवल पे रहिए, ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने की मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, और वंस यू हैव क्रिएटेड अ सर्वे और आपको एक ग्रिप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगी, तो यू कैन गो आउट आस्क एनी कंपनी टू गिव यू द प्रोजेक्ट ऑफ मार्केट रिसर्च और डाटा एनालाइज करके फिर आप उनको प्रोवाइड करें।